एक्सरसाइज थ्री पॉइंट ट्वेंटी फाइव ऑन अ लॉन्ग हॉरिजोनटल मूविंग बेल्ट अ चाइल्ड रंस टू एंड फोर विद द स्पीड ऑफ नाइन किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट बिटवीन हिज फादर एंड मदर लोकेटेड फिफ्टी मीटर अपार्ट ऑन द मूविंग बेल्ट अब यहाँ तक हम स्टेटमेंट समझने की कोशिश करते हैं एग्जामिनर हमें क्या क्या है हमारे पास एक मूविंग बेल्ट है जो कि मेरी लेफ्ट से राइट वर्ड मूव कर रही है इस पे एक चाइल्ड है जो टू एंड फोर भाग रहा है मतलब टू मतलब आगे की तरफ फोर पीछे की तरफ वो भाग के एक बार अपने मदर के पास जाएगा फिर मदर से फिर भाग के अपने फादर के पास जाएगा ऐसे भागता रहेगा इन बिटवीन मदर एंड फादर जो कि 50 मीटर अपार्ट है तो इसका क्या मतलब है कि डिस्टेंस बिटवीन मदर एंड फादर ये हमें गिवन है क्वेश्चन में क्वेश्चन में क्या आ गया ये 50 मीटर अपार्ट है और चाइल्ड इस 50 मीटर डिस्टेंस के बिटवीन एक बार इधर को भागेगा मदर की तरफ और मदर से फादर की तरफ भागता रहेगा विद द स्पीड ऑफ नाइन किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट तो जो चाइल्ड की स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट तो हम इसे दे देंगे वी सी बी का नाम स्पीड ऑफ चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट हमारे पास आ जाएगी नाइन किलोमीटर पर आर इस डायरेक्शन में भी चाइल्ड टू मदर डायरेक्शन भी और आप कह सकते हैं डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बेल्ट के अकॉर्डिंग भी और इस तरफ भी मेरे पास कितनी रहेगी नाइन किलोमीटर पर आर स्पीड ऑफ चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट टू वर्ड फादर और या कहते हैं टू वर्ड लेफ्ट भी नाइन किलोमीटर पर आवर ही रहेगी द बेल्ट मूव विद द स्पीड ऑफ फोर किलोमीटर पर आवर उसने कहा है जो मेरी बेल्ट है वो मूव कर रही है फोर किलोमीटर पर आवर लेट स्पीड ऑफ बेल्ट वी बी उससे हम डिनोट कर देते हैं फॉर एन ऑब्जर्वर ऑन अ स्टेशनरी प्लेटफॉर्म आउटसाइड वट इज द एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर है जो ये चीज देख रहा है कि लड़का भाग के अपनी मदर के पास जा रहा है फिर मदर से भाग के वापस फादर के पास जा रहा है वो इस चीज को ऑब्जर्व कर रहा है आउटसाइड मतलब ग्राउंड पे सो so, अब हमें पूछना क्या है वट इज द स्पीड ऑफ चाइल्ड रनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बेल्ट हमें ये पार्ट में क्या फाइंड करना है कि स्पीड ऑफ चाइल्ड रनिंग विद द डायरेक्शन ऑफ बेल्ट फाइंड करनी है और इन अदर वर्ड्स स्पीड ऑफ चाइल्ड रनिंग टूवर्ड हिज मदर फाइंड करनी है हम ये कह सकते हैं सो so, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हमें क्या क्या कंडीशन सी स्पीड ऑफ बेल्ट लेट हमने इसे मान लिया ए ऑप्शन को सॉल्व करती हैं बी वी स्पीड ऑफ बेल्ट मेरे पास कितनी आएगी फोर किलोमीटर पर आर जो कि मूव कर रही है लेफ्ट टू राइट सो यहाँ पे हम एक कंसिडरेशन कर लेते हैं कि जब मैं लेफ़्ट से राइट मूव करूँगा लाइक दिस डायरेक्शन इसे मैं पॉजिटिव कंसिडर कर लूंगा जब मैं राइट right से लेफ्ट मूव करूंगा मैं इसे कंसिडर कर लूंगा नेगेटिव लेफ्ट टू राइट राइट टू लेफ्ट मेरा आ गया नेगेटिव ये हम स्टार्टिंग में कंडीशंस मेंशन कर देंगे सो so, अब हमें क्या दिखना है कि नेक्स्ट हमें क्या गिवन है रेलिटिव स्पीड ऑफ चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू वेल्ट मतलब चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू वेल्ट लेट वी सी बी रेलिटिव स्पीड ऑफ चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू वेल्ट ये मेरे पास कितनी आ जाएगी नाइन किलोमीटर पर आर अब हमें किस डायरेक्शन में देखना है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बेल्ट के ही देखना है मीन्स लेफ्ट टू राइट ही देखना है इसीलिए भी हम इसे पॉजिटिव रखेंगे हमें मालूम है कि जो हमारा वी सी बी है इसका फार्मूला क्या होता है वी सी माइनस वी अब यहाँ पे हम वी सी सपोज है हमारी वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड सो अब हमें सारी वैल्यूज मालूम है सो so, हम क्या कह सकते हैं इस इक्वेशन को अगर मैं फार्मूले को यूज़ करूँ तो मेरा वी सी इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा वी सी बी प्लस वी बी के सो वी की वैल्यू वी सी बी की वैल्यू मेरे पास कितनी है नाइन वी की वैल्यू प्लस फोर यूनिट्स दोनों की सेम है किलोमीटर पर आर सो मेरा वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड कितनी आ जाएगी थर्टीन किलोमीटर पर आर विद रिस्पेक्ट टू विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर. जो हमारा ऑब्जर्वर है उसके रिस्पेक्ट में मेरे पास कितनी आ गई थर्टीन किलोमीटर पर आवर लेफ्ट टू राइट भी आप कह सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट डेट्स वाई ये वेलोसिटी मेरी पॉजिटिव आई है अब हम इसका सेकंड स्नारियो देखते हैं बी ऑप्शन हमें बी ऑप्शन में क्या पूछा गया है सो द स्पीड ऑफ चाइल्ड रनिंग ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बेल्ट अब हमें स्पीड ऑफ चाइल्ड फाइंड करनी है अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बेल्ट सो हमें मालूम है कि स्पीड ऑफ बेल्ट मेरे पास लेफ्ट टू राइट जा रही है मतलब ये तो पॉजिटिव ही रहेगी फोर किलोमीटर पर आर वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट अब हमें किस किस डायरेक्शन में देखनी है ऑपोजिट डायरेक्शन में रनिंग ऑफ बेल्ट तो इस तरफ सो ये मेरे पास आ जाएगा मोशन राइट टू लेफ्ट सो नेगेटिव नाइन किलोमीटर पर आर सो so, हमें मालूम है सेम वी सी बी का जनरलाइज्ड फार्मूला और स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है वी सी माइनस वी वी सो अब हमें फाइंड करनी है वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन सो वी सी इज इक्वल टू वी सी बी प्लस वी वी अब यहाँ पे हम इनकी वैल्यू सब्सिड्यूड कर देंगे सो so, मेरे पास वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड रनिंग ऑपोजिट सो वी सी वी की वैल्यू कहते नाइन वीवी वी की प्लस फोर यूनिट्स दोनों में ही किलोमीटर पर आवर है सो माय वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड कम्स आउट टू बी माइनस फाइव किलोमीटर पर आवर ठीक है दिस इज माय आंसर ऑफ सेकंड ऑप्शन बी ऑप्शन नेगेटिव साइन का क्या मतलब है कि जो मेरी है वो अपोजिट डायरेक्शन में है बस नेगेटिव साइन हमें यही इंडिकेट करता है ये भी किसके आएगा विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर हम ऑब्जर्वर की बात कर रहे हैं यहां तक अब पहले हम सी ऑप्शन को देख लेते हैं सी ऑप्शन टाइम टेकन बाय चाइल्ड इन ए एंड बी केस सो ए केस क्या था कि हम टू वर्ड मदर के पास कह रहे हैं और बी मदर से टू वर्ड फादर की तरफ कह रहे हैं क्लियर इस डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं सो so, अब हमें टाइम देखना है कि चाइल्ड को फ़ादर से मदर तक पहुँचने में कितना टाइम लग रहा है और मदर से फादर तक पहुँचने में कितना टाइम लग रहा है क्लियर अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए आप कि उनके मदर और फादर बोथ उसी बेल्ट पे हैं मूविंग बेल्ट पे हैं क्लियर तो जो उनका डिस्टेंस है ये हमेशा ही 50 मीटर रहेगा आपस में एंड अगर आप यहाँ पे मदर और फादर की बात करें तो उनके लिए जो लड़का है वो नाइन किलोमीटर पर आवर से ही आइदर डायरेक्शन इस डायरेक्शन में जाएगा आप कह सकते हैं लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट जाएगा उनके लिए यही स्पीड रहेगी क्योंकि वो भी इसी सेम बेल्ट पे हैं सो स्टार्ट करते हैं सी ऑप्शन सो डिस्टेंस बिटवीन सी ऑप्शन सो लेट एक्स बी द डिस्टेंस बिटवीन फादर एंड मदर ये मेरे पास आ गया 50 मीटर सो so, जैसे ही हमने कहा था कि जो अब रेलिटिव वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट है वो मेरे पास कितनी है नाइन किलोमीटर पर आवर अब बोथ केसेस में विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन ये नाइन किलोमीटर ही रहेगी क्योंकि उसके मदर फादर भी उसी बेल्ट पे हैं सो दिस इज नाइन किलोमीटर पर आवर सो यहाँ पे हम अब यूनिट्स को समिट्री में ले आते हैं क्योंकि यहाँ मीटर है यहाँ किलोमीटर है सो so, मैं विलासिटी ऑफ चाइल्ड विद रिस्फेक्ट टू बेल्ट को कन्वर्ट कर लेता हूं मीटर पर सेकेंड में एक किलोमीटर में थाउजेंड मीटर ओवर आवर एक आवर में थर्टी सिक्स हंड्रेड सेकेंड्स तो अब इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मेरा फैक्टर आता है फाइव बाई एटीन इनको सिंप्लीफाई करने पे फाइव बाई एटीन अब नाइन टू एटीन अब फाइव डिवाइडेड बाई टू सो माई स्पीड चाइल्ड विद रिस्फेक्ट टू बेल्ट कितनी आ जाएगी मेरे पास टू पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड सो ये मेरी आ गई स्पीड अब मुझे फाइंड करना है टाइम अब टाइम का क्या फार्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड सो डिस्टेंस में था 50 मीटर स्पीड कितनी आ रही है मेरी 2.5 मीटर पर सेकेंड सो मीटर से मीटर कैंसिल सेकेंड ऊपर जाके मल्टीप्लीकेशन में हो गया सो so, 2.5 से अगर को मैं डिवाइड करूं तो मेरे पास है क्या 20 सो so, मेरे पास टी आ रहा है 20 सेकेंड्स सो so, आप इस सिनेरियो को कह सकते हैं कि इन बोथ केसेस इन बोथ केसेस हम बोथ केसेस की बात करेंगे क्यों क्योंकि हमने कहा था कि जब भी ये डिस्टेंस हमारा फिक्स है सो so, फादर और मदर के लिए ये मेरी वेलोसिटी नाइन किलोमीटर पर आवर ही रहेगी इन आइदर डायरेक्शंस सो अगर फादर से मदर तक जाने के लिए ट्वेंटी सेकेंड लग रहे हैं तो मदर से फादर तक जाने के लिए भी चाइल्ड को ट्वेंटी सेकेंड ही लगेंगे इन बोथ केसेस अब लास्ट में हमें क्या कहा गया है विच ऑफ द आंसर्स अल्टर इफ मोशन इज़ व्यूड बाय वन ऑफ द पेरेंट्स अब मेरे पास ए ऑप्शन बी ऑप्शन एंड सी ऑप्शन में से कौन सा रिजल्ट बदल जाएगा अगर उसका मोशन चाइल्ड का ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके पेरेंट्स सो हम इसका आंसर लिख देंगे कि जो मेरा ए ए पार्ट है है ठीक ऑप्शन ऑप्शन एंड बी इसका आंसर हमने विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर फाइंड किया था इसका आंसर भी हमने विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर फाइंड किया हेंस ए एंड बी विल बी अल्टर्ड ठीक है ए एंड वी विल बी अल्टर्ड हो जाएंगे अगर चाइल्ड का मोशन उनमें से कोई भी पेरेंट ऑब्जर्व कर रहा है जो मेरा सी है वो हमेशा ही मेरा अनअल्टर्ड रहेगा ठीक है सी अनअल्टर्ड क्योंकि वो पहले ही उसके पेरेंट्स ऑब्जर्व कर रहे हैं सो ए एंड बी विल बी अल्टर्ड ऑप्शन